समझाया बेटा तुम क्रोध न करो। ध्रुव ने अपने क्रोध देव जी समझाते हैं राजन। ध्रुव में कोई शक्ति नहीं थी, इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते, और ये शक्ति तो उनकी माँ की थी। बच्चे का भविष्य माँ के हाथ में होता है, और बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को राज सिंहासन पर बिठा दे, और माँ ही अगर चाहे तो अपने बच्चे को गधे पर भी बैठने के लायक ना छोड़े। पहले की ऐसी ऐसी माँ हुई जिन्होंने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली। खैर देखना चाहिए, और देखो जिसका बचपन ही बिगड़ गया वो जवानी पे क्या सुधरेंगे। कभी कहते हैं कि लाले तो पंच बरसाण दस बरसाण ताड़े थे, प्राप्ते तू सोड़ से पुत्र मित्र बता चले थे। पुत्र जब पांच बरस का हो उसे जितना भी प्यार कर सको करो, पुत्र जब दस बरस का हो जाए उसे जितनी भी ताड़ना दे सको दो, और पुत्र जब सोलह बरस का हो जाए कंधे के बराबर का हो जाए तो पुत्र को पुत्र नहीं बल्कि मित्र समझना चाहिए। हाँ देखो घर भी स्त्रियों के हाथ में होता है। आंगन में अगर सुलक्षणी स्त्री आ जाए, पति उसका गरीब है, एक दिन वो आता है कि कड़कड़ जोड़ करके उसे रईस बना देती है। आंगन में अगर कुलक्षणी स्त्री आ जाए, पति उसका कितने भी बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, एक दिन वो आता है उस पर भीख मंगा देती है। तो मेरा तो कहना ये है बच्चों के भविष्य के बारे में देखो, घर परिवार की तरफ देखो कि हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। हाँ लेकिन कभी तो ये कहते हैं कि उस घर के तो बाकी पहले से ही फूट गए। किसके जमनारी आई घर के फूट गए कैसे, परे सवेरी उठे अवेरी कर घर फेरी सवेरी उठे अवेरी कर घर फेरी को तो नंबर को होली दीपावली पे लगता था, और जा देना घर में पूजा न होए बादना तो रोजाना सवेरे सवेरे पति को रोटी मिल जाए, और जा देना पूजा होए पूरे दिन बेचारे बैठे बैठे चौकी गांधे कर रहा था। रोटी अगर मांग ली सही तौर पर नहीं पूजा करना भाई तुम्हें पहले खबाने दूर बैठो। पति से घर नाराज पूजो करती जाती और खाती का है सोना मालूम का कह रहे हैं। पिड़ीदार बैठी आंगन में लोटा धरे पिड़ीदार बैठी आंगन में लोटा धरे हाथ जोड़ सूरज से बोले लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर परिवार की तरफ देखो, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो कि हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। ये 100 रुपए हमारे पास में गौरव। हेलो जरा ध्यान दें, ये सामने जो इधर बैठी हैं वो हमारी सभी बहनें हैं भांजी हैं, आप हमारे सभी सम्मानित रिश्तेदार हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। मंजेश कुमार हमारे छोटे भाई हैं, इनके बड़े भाई ब्रजेश शास्त्री जी हमारे मित्र थे, हमारे बराबर के थे, वो हमारे छोटे भाई हैं लेकिन फेमस कलाकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन मंजेश कुमार ने मुझसे एक बात कही कि भैया अम्मारी का मैंने नाम सुना था और रिश्तेदारियां भी हैं कि अम्मारी बहुत बड़ा गांव है, शिक्षित लोग हैं, घर घर लोग सर्विस करते हैं, लेकिन भीड़ कम होती है थोड़ी। तो आज कथा का तीसरा दिन है ये, मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारी एक कस्बा गांव है और प्रभावशाली गांव है, शिक्षित गांव है, सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी करते हैं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी है, मुझे पूरी जानकारी है। आज कथा का तीसरा दिन है, अरे पूरे हमारी के लोग ना आए, ककेरा के लोग ना आए, लेकिन इस मोहल्ला के ही सभी लोग इकट्ठे हो जाए और सभी बहने इकट्ठी हो जाए, फिर भी ये पंडाल भर जाएगा। और फेमस कलाकार हैं वो सारे, मैं जानता हूँ कि गाजियाबाद से लेकर के देवरिया तक सारे लोग जानते हैं मंजेश शास्त्री जी को, लोग इंटरनेट के माध्यम से घर घर में सुनते हैं, देखते हैं। तो मैं अपने रिश्तेदारों से कहूँगा कि कल कथा का चौथा दिन है, कब भीड़ भाड़ होती है, इनका मन भी नहीं लगता, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, पंडाल की सजावट कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मंजेश कुमार शास्त्री जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कल ये पूरा पंडाल भरा दिखाई देगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।